एक सिंपल अपन टोकन का प्रोग्राम भी देख रहे हैं और हाउ टू मेक अ सी लैंग्वेज प्रोग्राम, ओके, इसके बारे में देख रहे हैं। तो मैं कमेंट से स्टार्ट कर रही हूँ। ए प्रोग्राम फॉर शोइंग टोकन्स, ठीक है, टोकन्स को शो करने का अपन प्रोग्राम देख रहे हैं। तो फर्स्टली हमको क्या करना होता है, हेडर फाइल्स लिखनी पड़ती है, हैश इंक्लूड stdio.h। मैंने ये एक हेडर फाइल लिख दी, ये आपको लिखना होगा। इट इज़ अ हेडर फाइल, हैश इज़ अ प्री प्रोसेसर, इंक्लूड वी आर इंक्लूडिंग व्हाट, बिटवीन एंगल ब्रैकेट्स वी राइट द हेडर फाइल एज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, ओके, देन हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन। stdio.h इज फॉर प्रिंट एफ और स्कैन एफ, ओके। नाउ वी राइट void मेन, इट इज अ मेन फंक्शन, हमको लिखना पड़ता है, इसी में ही सारे स्टेटमेंट फंक्शन कॉलिंग लिखी जाती है, ओके। अब ईच एंड एवरीथिंग वी आर राइटिंग इन सी लैंग्वेज इज कॉल्ड द टोकन। ये एक एक कैरेक्टर आप देख रहे हो ना, जो भी हम लिख रहे हैं, ये क्या है, यही टोकन है। इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने किस किस में, जैसे हैश एक स्पेशल सिंबल है, तो ये स्पेशल सिंबल के बारे में बताएगा, और ये किसका पार्ट होगा, ये टोकन का एक पार्ट होगा, स्पेशल सिंबल्स, ओके। वॉइड हमने लिखा, वॉइड क्या है, इट इज अ कीवर्ड, मेन इट इज लाइक एन आइडेंटिफायर, ये एक आइडेंटिफायर है, ओके। और कांस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो भी क्या है, टोकन है, ओके। वो भी किसको शो करेगा, टोकन को। तो कांस्टेंट हम कैसे लिख रहे थे, हैश डिफाइन कांस्टेंट नेम, ओके। तो सपोज वी आर राइटिंग और गिविंग द नेम कांस्ट नेम, इट इज अ कांस्टेंट नेम, ठीक है, आइडेंटिफायर। और अब कांस्टेंट की वैल्यू हम दे रहे हैं, मान लीजिए कांस्टेंट हम किसे बना रहे हैं, एक कैरेक्टर को बना रहे हैं, कैपिटल ए को हम कांस्टेंट बना रहे हैं, इंटीजर को भी बना सकते हैं, तो यही क्या कहला देते हैं, कैरेक्टर लिटरल। यदि मैं ये ए कैरेक्टर लिखा है तो ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर लिटरल, ओके। इसको एक बार सेव करते हैं डॉट सी, क्योंकि सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम। सी में, टी सी में, बिन में नाम दे दिया हमने टोकन, ओके, इस नाम से मैंने सेव कर दिया प्रोग्राम। अब मान लीजिए मैं एक नंबर को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो जो नंबर होगा, डिजिट्स को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो उसका डेटा टाइप, उस वेरिएबल का डेटा टाइप मैं क्या दे रही हूँ, इंटीजर शो करता है int, int। ये जो int int लिखा है ये डेटा टाइप है, सिंटेक्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है, हमको लिखना ही पड़ेगा। यदि हम कोई वेरिएबल लिखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये int, char, डबल शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, ओके, इस टाइप से हमको शो करना पड़ता है, सिंटैक्स है ये इंट। इसके बाद जो लिखा जाएगा वो वेरिएबल कहलाएगा। ये जो हमने लिखा है ये कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट का नाम है और ये कांस्टेंट की वैल्यू है। यदि हम ये प्रिंट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ओके। अब हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, वेरिएबल के लिए मैंने लिखा int int var, ओके, एक मैंने वेरिएबल दे दिया जिसे हम प्रिंट कराना चाहते हैं, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी 12, ओके, 12 लिख दी, ओके। अब मैं इसे प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैंने सपोज लिखा प्रिंट एफ,
ओके प्रिंट एफ क्या करता है, ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट करता है. हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज, कॉन्स्टेंट की वैल्यू ओके ए कैरेक्टर को शो कर रहा है. ये जो मैंने ऊपर कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी है ये किसको शो कर रहा है, कैरेक्टर को. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा. कैरेक्टर के लिए हमने लगाया सी ओके. उसके बाद ये पैटर्न है, सिंटैक्स है यही है, ऐसे ही लिखा जाएगा. जो प्रिंट एफ फंक्शन है उसमें ऐसे ही लिखा जाएगा, द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज परसेंट सी देन कॉमा. कॉन्स्टेंट का नाम मैंने ऊपर क्या दिया, हैश डिफाइन करके, सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट एन ए एम ई कॉन्स्ट नेम ओके. अब मैं नेक्स्ट लाइन में चाहती हूँ कि अब जो प्रिंट हो वेरिएबल की वैल्यू वो नेक्स्ट लाइन में हो. तो इसी प्रिंट एफ में, इसी प्रिंट एफ में मैं क्या लिखूंगी, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. वेरिएबल की वैल्यू क्या है इधर, जैसे द वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज क्या थी, यहाँ ए प्रिंट हो जाएगा और इधर वेरिएबल की वैल्यू इज. अब हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा परसेंट डी ओके. इंट लिया है हमने, ठीक है, इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें डी ही लगाना पड़ता है, रूल है ये, ठीक है. रूल्स बताए हैं सी लैंग्वेज में, हम कंप्यूटर से लैंग्वेज के थ्रू बात कर रहे हैं, ठीक है. हम जो चाह रहे हैं वो प्रिंट करवाना चाह रहे हैं ओके. तो ये कुछ कोड बनाए गए हैं, डेनिस रिची ने ये कुछ कोड बनाए हैं, साइंटिस्ट ने. अब नेक्स्ट लाइन में भी लाना है तो हमें इधर एक करेक्टर लिखना पड़ता है परसेंट एन, जिससे नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट हो जाएगा ओके. नाउ गेट सी एच फॉर पॉजिंग ऑन द स्क्रीन, पॉज कर देगा वो, है ना, स्क्रीन को पॉज करेगा जब तक कि हम एंटर या एनी की प्रेस नहीं कर देते ओके. और स्क्रीन नेक्स्ट टाइम में देखने के लिए क्लियर करना चाहते हैं, प्रीवियस का ना दिखे, इसके लिए सी एल आर एस सी आर लगाते हैं अपन, ठीक है. तो क्लियर द स्क्रीन भी हम लगा सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे सी एल आर एस सी आर ओके. इसको कंपाइल कराते हैं ऑल्ट एफ नाइन. अब ये कह रहा है कि किसी में तो कंपाइलर में ये अलाउ कर देता है, किसी में नहीं करता. ये कह रहा है वेरिएबल पहले डिफाइन करो, तो हम शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट, शिफ्ट फंक्शन डिलीट कर देते हैं ओके. और शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट इधर लिख देते हैं, ठीक है. पहले वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, फिर क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देते हैं. कंट्रोल एफ नाइन. देखो द वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंट, हमने क्या दिया था, कैरेक्टर डिफाइन किया था ए, तो उसने ए प्रिंट कर दिया. और वेरिएबल की वैल्यू वेर में हमने क्या दी थी, 12, तो 12 डिफाइन कर दिया ओके. तो वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं. मान लो मैंने इधर 12 दी थी ओके. और मैं इधर सपोज वेर की वैल्यू इधर 13 लिखो ओके. ऑल्ट एफ नाइन, कंट्रोल एफ नाइन. देखो अब इसने 13 प्रिंट किया, क्योंकि 12 तो पहले दी थी मैंने, बाद में 13 कर दी. चेंज करना इसने अलाउ कर दिया. मान लो ये जो मैंने कॉन्स्टेंट नेम दिया है, ठीक है, इस कॉन्स्टेंट नेम सी ओ एन एस टी एन ए एम ई, मैं इधर कॉन्स्टेंट नेम देना चाहूं, डी लिख रही हूं सपोज ओके. अब आप देखिए ऑल्ट एफ नाइन, एल वैल्यू रिक्वायर्ड बोल रहा है ये ओके. मान लीजिए शिफ्ट फंक्शन इंसर्ट
control function insert, shift function insert, यहां लिखते हैं इसे, ठीक है। वहां तो l value required की error दे रहा है, हमें permission नहीं दे रहा है उधर लिखने की, इधर क्या आ रही है l value required, ठीक है। यहां भी लिखने से ये मना कर रहा है। सपोज कांस्टेंट को एक डिफाइन करने का तो ये तरीका था, मान लीजिए मैं यही डिफाइन करती हूँ कांस्टेंट को, ठीक है, CONSNST कांस्ट, ठीक है, कांस्ट कांस्ट नेम मैं इधर लिख रही हूँ, एक बार आप देखिए, मैं यहाँ भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने पहली बार कांस्टेंट की वैल्यू क्या दी, सपोज इधर हमने ऊपर दी थी कैपिटल ए, मैंने कैपिटल ए लिखा, ओके, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, सक्सेसफुल हो गया ये, है ना। वेरिएबल की तो 12 की जगह 13 की थी, उसने 13 दे दी, और कांस्टेंट मैंने क्या बनाया, ए, ऊपर दिया था हैज डिफाइन के अकॉर्डिंग, और नीचे भी दे सकती हूँ, दूसरा तरीका था, ये दे दिया। अब मैं इसकी वैल्यू सपोज चेंज करना चाहती हूँ, ओके, उसके थ्रू तो वो एल वैल्यू रिक्वायर्ड की एरर दे रहा था। अब इधर देखते हैं कौन सी एरर दे रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हम कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। यदि हम कॉन्स्टेंट को नीचे वॉइड मेन में डिफाइन करते हैं तो ये वाली एरर देते हैं, देख रहे हो तुम, एरर दोनों ही है, कॉन्स्टेंट को हम चेंज कर ही नहीं सकते, उसमें एल वैल्यू रिक्वायर्ड की एरर दे रहा है, और इसमें कैन नॉट मॉडिफाई कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी हम एक बार कांस्टेंट हमने फिक्स कर दिया विद इन द प्रोग्राम, देन वी कैन नॉट चेंज कांस्टेंट वैल्यू, हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज ही नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो ये चीज गलत है, ओके, यही आपको बताना चाह रही थी। और वेरिएबल की वैल्यू हम चेंज कर सकते, देखो आपको ये एरर नहीं आ रही है, ओके, तो ये टोकन्स हैं, स्पेशल सिंबल, एवरी करेक्टर्स विद इन अ प्रोग्राम, है ना, सब टोकन है ये,